नमस्कार, विश्व शांति दर्शन में मैं श्री राम शिंदे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। समुद्र के पानी का रंग नीला क्यों है, इस सवाल का जवाब जिन्होंने सारी दुनिया को दिया, ऐसे भारत के महान वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार विजेता सर सीवी रमन के सम्मान में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में विश्व शांति दर्शन के आज के न्यूज मैगजीन में आइए देखते हैं विज्ञान पर आधारित कुछ खास खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। विटामिन की कमी का इलाज हो सकता है पौधों से। एयर प्यूरिफायर जिसे आप पहन सकते हैं। अर्जेंटीना में मिला अद्वितीय डायनासोर का जीवाश्म। खोजी गई दुनिया की सबसे बड़ी बैक्टीरिया। जॉर्डन में है 9000 साल पुराना मंदिर। शास्त्रज्ञ ने खोजे हैं 1000 से अधिक ऐसे पौधे जो विटामिन की कमी का मुकाबला कर सकते हैं। आइए देखते हैं। वैज्ञानिकों ने अप्रयुक्त क्षमता वाले 1000 से अधिक खाद्य पौधों की पहचान की है, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे दुनिया भर में हजारों लोगों के लिए विटामिन बी की कमी को दूर कर सकती है। उनके निष्कर्ष बताते हैं कि लगभग 1000 पौधों की प्रजातियों को 5 अलग अलग बी विटामिन के संभावित स्रोतों के रूप में पहचाना गया था। उन्होंने ये भी पाया कि 63 पौधों को उनके प्राकृतिक वातावरण में खतरा है। इन शोधकर्ताओं के अनुसार खाद्य पौधों की अविश्वसनीय विविधता पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि हम बेहतर ढंग से समझ सकें कि वे मानव पोषण में कैसे योगदान दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्हें संरक्षित करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है। दुनिया का सबसे छोटा एयर प्यूरिफायर हुआ दिल्ली में तैयार। लेते हैं ज्यादा जानकारी। IIT दिल्ली के एक स्टार्टअप ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर बना लिया है। उनका दावा है कि यह N95 फेस मास्क जितना प्रभावी है। स्टार्टअप नैनोक्लीन ग्लोबल के अनुसार नासो 95 एक N95 ग्रेड का फिल्टर है। यह उपयोगकर्ता के नाक से चिपक जाता है और बैक्टीरिया, वायरल संक्रमण और पराग तथा वायु प्रदूषण को रोक लेता है। ये पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर 4 अलग अलग आकारों में आता है और सामान्य फेस मास्क की तुलना में ये बेहतर सुरक्षा प्रदान करता है। इस उत्पाद की सुरक्षा और दक्षता के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं द्वारा इसे परीक्षण तथा प्रमाणीकरण किया गया है। कहा गया है कि इस उत्पाद का इस्तेमाल बच्चे भी कर सकते हैं, क्योंकि वे वायुजनित संक्रमण और वायु प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अर्जेंटीना में मिला है 70 मिलियन वर्ष पुराना डायनासोर का जीवाश्म। सुनते हैं पूरी खबर। वैज्ञानिकों ने एक अज्ञात मांस खाने वाले डायनासोर के जीवाश्म की अद्वितीय खोज की है, जिसके हाथ छोटे थे और अपने शिकार को भगाने के लिए एक शक्तिशाली सर था। लगभग 70 मिलियन वर्ष पहले रहने वाले गोमेसिया ओचोई नाम के इस डायनासोर की खोपड़ी अर्जेंटीना के उत्तर पश्चिमी साल्टा प्रांत में खोजी गई थी। यह एक रोमांचक खोज है, जिसने वैज्ञानिकों को यह विचार करने के लिए प्रेरित किया है कि क्या यह एक पूरी नई प्रजाति का हिस्सा है, क्योंकि यह बहुत अलग है। शोधकर्ताओं के अनुसार यह संभवतः डायनासोर के एक मांसाहारी समूह से संबंधित है, जिसे एबोलिसोर कहा जाता है, जो दो पैरों पर चलता है और केवल ठूंठ की तरह हथियार रखता है। ये अमेरिका के टायरानोसोरस रेक्स की तुलना में छोटा था। वैज्ञानिकों ने इतने बड़े बैक्टीरिया की खोज की है कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है, उसे खुली आंखों से देख सकते हैं। वैज्ञानिकों ने एक बड़े आकार की बैक्टीरिया की खोज की है, जिसे बिना माइक्रोस्कोप की मदद के देखा जा सकता है। खोज का वर्णन करने वाली एक रिपोर्ट के अनुसार एकल कोशिका वाला ये जीव 2 सेंटीमीटर तक लंबा हो सकता है और एक पतली स्ट्रिंग जैसा दिखता है। ये सूक्ष्म जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय खोज है। आकार के मामले में अब तक दर्ज किया गया सबसे बड़ा जीवाणु है ये। यह एक मक्खी के अनुमानित आकार का है। यह खोज तब हुई जब फ्रांसीसी एंटिल्स विश्वविद्यालय के समुद्री जीव विज्ञानी पहली बार दलदल में सड़ने वाले पत्तियों की सतहों पर पतले तंतुओं जैसे दिखाई देने वाले जीवों का अभ्यास कर रहे थे। पुरातत्वविदों को जॉर्डन के रेगिस्तान में 9000 साल पुराना एक मंदिर मिला है। सुनते हैं यह पूरी खबर विस्तार से। जॉर्डन और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक टीम को जॉर्डन के पूर्व रेगिस्तान में एक जगह पर लगभग 9000 साल पुराना एक मंदिर मिला है। इस तरह निर्मिति के जाल में 2 या 2 से अधिक लंबी पत्थर की दीवारें होती हैं, जो एक बाड़े से मिलती हैं और
मध्य पूर्व के रेगिस्तान में बिखरी हुई पाई जाती है। परियोजना के सह निदेशक जॉर्डन के पुरातत्वविद वेल अबू अजीज के अनुसार सबसे पहले इसके संरक्षण की स्थिति के कारण ये साइट अद्वितीय है। 9000 साल पुराना होकर भी सब कुछ लगभग बरकरार है। मंदिर के भीतर दो नक्काशीदार खड़े पत्थर थे जिनमें मानव रूपी आकृतियां थी, साथ ही एक वेदी, चूल्हा, समुद्री गोले और चिकारे के जाल का लघु मॉडल भी था। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।